हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी निकल के आ रही है। आपको मैं दो तीन अपडेट यहाँ पे दूंगा, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, आप ऑफिशियल नोटिस खुद दे सकते हैं या आप ऑफिशियल नोटिस पढ़ लेना, जहाँ नोटिस करने वाली पॉइंट होगी वो उनको मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पॉइंट दे सकते हैं कि 25% पर वेटिंग लिस्ट बनेगी। हालांकि अभी तक केवल 10% में बनी है, 25% पर वेटिंग लिस्ट अगर बन नहीं है तो अगर आप वेटिंग लिस्ट में भी आ गए तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इस बार फायदा रहेगा, तो आप लोग सिलेक्टेड होने का बहुत ज़्यादा चांस है इस बार। 25% वेटिंग लिस्ट बनेगी, बहुत अच्छी खबर है। पहली खबर तो आप लोग ये सुन लीजिएगा। और दूसरी खबर और भी अपडेट है यहाँ पर, टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट से रिलेटेड भी अपडेट आई है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ऑफिशियल नोटिस भी। ठीक है, देखो टीजीटी में क्या आता था, शिक्षक कितने जुड़ेंगे, जोड़े गए मतलब 8, और पीजीटी में जितने तथा शिक्षक कितने जोड़े गए 2। तो ये अपडेट यहाँ पे एक और है, दूसरी खबर और है ये कि हालांकि बहुत कम इस बार जोड़े गए हैं, वो बात अलग है। ठीक है, चलो तीसरा अपडेट। चलो भाई ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई एक और अपडेट आपको यहाँ पे दे दें कि टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट है कब आपको आएगा। यहाँ पे आप प्रूफ पर्चा यहाँ ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। चलो भाई आप लोग देख लीजिएगा। देखो क्या लिखा, छात्र भाइयों बहनों को अवगत कराना चाहूँगा ये कि बहुत दिनों से आप लोगों को बहुत दिक्कत थी कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। आपका फिक्स यहाँ पे हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छात्र भाइयों बहनों को अवगत कराना चाहूँगा कि आजकल या परसों किसी प्रकार का कोई भी परिणाम आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रतियोगी मोर्चा का प्रयास जारी है। प्रवक्ता मतलब पीजीटी के जो 11 विषयों के रिजल्ट, आपको पता होगा पीजीटी के 12 विषयों का रिजल्ट आ चुका है और 11 विषयों की रिजल्ट आपका 10 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिस भी दे सकते हैं और भी नोटिस आपको दिखाएंगे यहाँ पे, और भी नीचे ध्यान से समझिएगा। टीजीटी के समस्त विषयों को पढ़ना 15 अक्टूबर को तक जारी कर दिया जाएगा, वो 25% पर वेटिंग लिस्ट बनेगी। चलो भाई तो और आपको एक और अपडेट यहाँ पर दे दें, देख दें तो पूरा ध्यान से देखिएगा। आप लोगों का ये भी था कि कट ऑफ किस सबसे कम जाएगा, आप लोगों ने यह भी पूछा था, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। और फोटो बैकग्राउंड वाला OMR सिस्टम गलती में रीजन क्या होगा, तो उसका भी जल्दी से आपको सलूशन बताएंगे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि हिंदी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश अगर ये सब्जेक्ट हैं तो आप लोगों को देखो हिंदी इंग्लिश मैथ और ये 4 साइंस, चौथा साइंस, अब इसका रीज़न बताएंगे। अगर ये 4 सब्जेक्ट हैं क्योंकि इनका पेपर बहुत ही हार्ड आ रहा था, ठीक है, इस बार टीजीटी कट ऑफ आपकी हालांकि सभी विषय कम जाएगी लेकिन 4 स्पेशल मैंने बताया इनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी क्योंकि पेपर हार्ड आया था, और 2 विषय और अब ऐड कर दिए गए हैं क्योंकि समाज विज्ञान, ठीक है, समाज विज्ञान और कला, क्योंकि हाल ही में 2016 का अब रिजल्ट आया टीजीटी का समाज विज्ञान कला का, ठीक है, विद्यालय आवंटित नहीं हो रहा था तो उनका मोर्चा चला गया तो आपका विद्यालय आवंटित हो गया इनका, तो 2021 में इनकी कट ऑफ बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी समाज विज्ञान और कला की। तो टोटल 6 मैंने यहाँ पर बता दी। और ध्यान से समझो पाँचवा अपडेट कि फोटो के बैकग्राउंड में अगर कोई भी कलर कर दिया आप लोगों ने, देखो उससे कोई मतलब नहीं लाल पीले से, लेकिन ये कि आपका चेहरा और आप लोग आपकी फोटो बात अच्छी समझ में आनी चाहिए, आप हैं कि नहीं, बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। दोस्तों ये कि आप लोग छोटा सा एक लाइक नहीं करते वो इस बात का बहुत बुरा लगता, तो टीजीटी पीजीटी कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है आप मेरे चैनल पर देखने को मिलता है, इतने कम समय मैंने सारी न्यूज़ आपको देती है, तो एक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।